Hello everyone, welcome to Education Point. Yes, next point is our regulation of a kidney function. Kidney function कैसे रेगुलेट होता है, इसके लिए हॉर्मोन्स भी हैं. और ठीक है, पढ़ते हैं इसको. द फंक्शनिंग ऑफ ए किडनी इज एफिशियंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय द हॉर्मोनल फीडबैक. बताया था अभी, हॉर्मोन है ADH हॉर्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन कहते हैं. ठीक है, मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन अ हाइपोथैलेमस. यस, हाइपोथैलेमस में सिचुएटेड एक ग्लैंड पिट्यूटरी, उसके पोस्टीरियर लोब से प्रोड्यूस होता है ADH. मैं समझाती हूँ उसका बेटा. GJGA जस्ट अ ग्लोमेरुलस एपरेटस एंड सर्टेन एक्सटेंडेड द हार्ट. ठीक है, तो ये सब आप पढ़ोगे. तो रास सिस्टम मैंने आपको समझाया था, इसी से रिलेटेड है. हाइपोथैलेमस में सिचुएटेड है पिट्यूटरी. पिट्यूटरी के दो लोब होते हैं, एंटीरियर. ओके, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी. एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट. पोस्टीरियर पार्ट से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसमें से एक है ADH, एंटी डायुरेटिक हार्मोन, जो यूरिन को कंसनट्रेटेड बनाता है. एंटी डायूरेटिक हार्मोन, H4 हार्मोन. इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, क्योंकि जब ये यूरिन को कंसनट्रेट बना रहा होता है तो सॉल्ट भी उसमें आ जाते हैं ब्लड में. और जब सॉल्ट ब्लड में आते हैं तो वैसे कंस्ट्रिक्शन होता है और ब्लड प्रेशर हाई होता है. ठीक है, तो इसको और करके लिख लोगे, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन. ओके, दिस वन इज अ वैसोप्रेसिन. ओके, तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ऑस्मो रिसेप्टर इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय द चेंज ऑफ ब्लड वॉल्यूम. जैसे जैसे ब्लड का वॉल्यूम चेंज हो रहा होता है, यानी कि उसमें अगर वाटर कम है तो इसका कहाँ पे जाएगा एस्टिमेशन. ओके, तो इसका एस्टिमेशन ब्रेन तक जाएगा. ठीक है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम आयनिक कंसंट्रेशन अगर वेरी कर रहे होते हैं, एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन बी एक्टिवेटेड बाय दीज रिसेप्टर विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस. और ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, देखो, जब क्या है, ब्लड में फ्लूइड का वॉल्यूम कम है, ठीक है, या फिर चेंज हो गया है, आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ गया है, कुछ भी, जो भी चेंज आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये रिसेप्टर पे जाके पता चलता है हाइपोथैलेमस ब्रेन के पार्ट पे. और हाइपोथैलेमस में सिचुएटेड है एक पिट्यूटरी ग्लैंड, मैंने आपको बताया था, उससे रिलीज होने लगेगा ADH, एंटी डायुरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन कहते हैं. एंड इस वाले पार्ट को, पोस्टीरियर लोब को, न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं. तो याद रखना, न्यूरोहाइपोफाइसिस. और एंटीरियर पिट्यूटरी को एडीनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं. तो यहाँ पे न्यूरो हाइपोफाइसिस वाला एरिया कौन सा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है. ठीक है, एंड दिस वन आर द पार्ट ऑफ ADH फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल्स. वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, मैंने बताया था ना, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, प्रिवेंट द डायूरेसिस. डायूरेसिस का मतलब होता है ज़्यादा यूरिन पास आउट करना, इसको रोकेगा. एंड इंक्रीज द, क्योंकि वैसे पानी कम है तो रोकना पड़ेगा, इज इंक्रीज इन द बॉडी फ्लूड. अगर ये क्वेश्चन आता है रेगिस्तान में फट गया तो हम फंस गए, तो हमारा कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, तो ADH. ADH, ठीक है, कैन स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर. ये वो बॉडी का फ्लूड बढ़ाएगा, ऑस्मो रिसेप्टर को स्विच ऑफ करेगा, याद रखना. एंड सप्रेस द ADH रिलीज टू कंप्लीट द फीडबैक. ठीक है, अच्छा, इज इंक्रीज द बॉडी फ्लूड वॉल्यूम. अगर आपके ब्लड में पानी ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, रिसेप्टर को, ऑस्मो रिसेप्टर को स्विच ऑफ कर देगा, और ADH नहीं रिलीज होगा फिर. अगर पहले से ही पानी ज़्यादा है बॉडी में तो ADH नहीं रिलीज होगा और हम ज़्यादा यूरिन पास आउट करेंगे, हमारी यूरिन डायल्यूट हो जाएगी. ठीक है, तो ADH कैन ऑल्सो इफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय द कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स. मैंने बताया था कि पानी अगर ब्लड में ऊपर भेज रहा है, वापस रीअब्जॉर्ब कर रहा है, तो सॉल्ट के आयन भी चले जाएंगे, और सॉल्ट के आयन गए तो वेसल्स, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे. दिस कॉज एन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर. ठीक है, एंड इंक्रीज द ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन फ्लो, एंड देयर वाई इज कॉल्ड अ GFR. तो ऐसे ये GFR को भी बढ़ा देता है. ठीक है, तो फाइनली अगर पानी हम कम पी रहे हैं
तो उस टाइम पे ADH हमारा वर्क कर रहा होता है, ठीक है। एंड जे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, रास सिस्टम एग्जैक्टली वही है। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो पीछे के लेक्चर को देख सकते हैं, ये मैं आपको पीछे लेक्चर में बता चुकी हूँ बेटा, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट ये एट्रियल एंट्रीयूरेटिक फैक्टर जो हार्ट से रिलीज होगा और प्रिवेंट करेगा हार्ट के ऊपर जो ब्लड प्रेशर का झटका लग रहा है उसको प्रिवेंट करेगा, ठीक है। मैच्योरेशन, व्हाट इज अ मैच्योरेशन? टू डिजायर फॉर अ पासिंग यूरिन, ये मैच्योरेशन है। क्या यूरिन का पास आउट करना एक वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री? इट्स अ वॉलेंट्री प्रोसेस, ठीक है। ये नहीं है कि छोटे बच्चों भी इनवॉलेंट्री, नहीं, सब में ही वॉलेंट्री प्रोसेस है। हालांकि छोटे बच्चों को पता चल रहा होता है कि वे यूरिन का पास आउट कर रहे होते हैं, कि यूरिन पास हो रहा है, लेकिन वो इतने अवेयर नहीं है बेटा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में कितना यूरिन होल्ड हो सकता है? 400 से 700 ml स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो जब यूरिनरी ब्लैडर एक स्ट्रेचेबल एपिथीलियम टिश्यू का बना हुआ है, किसका बना हुआ लिख देती हूँ, ट्रांजिशनल एपिथीलियम टिश्यू का बना हुआ है, ट्रांजिशनल एपिथीलियम टिश्यू का, ट्रांसिशनल एपिथेलियम टिश्यू का बना हुआ है, जिसमें इज वेरी स्ट्रेचेबल, जैसे कि यूट्रस जिसका बना होता है सेम उसी का बना होता है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, जब ये फुल हो जाता है यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर एफरेंट न्यूरॉन्स के, यानी लेके जाने वाले न्यूरॉन्स है, CNS पे सिग्नल लेके जाते हैं। जब इन पे स्ट्रेच पड़ता है तब ये CNS पे सिग्नल लेके जाते हैं। कब पड़ेगा स्ट्रेच? जब ब्लैडर फुल हो जाएगा यूरिन से, ठीक है। इन द रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस रिसेप्टर द वॉल ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल टू द CNS, ठीक है। CNS पास टू अ मोटर नर्व, CNS किसके थ्रू इंस्ट्रक्शन देता है? मोटर नर्व के थ्रू इंस्ट्रक्शन देता है, इनिशिएट द कॉन्सेंट्रेट ऑफ अ स्मूथ मसल्स ऑफ अर ब्लैडर, ब्लैडर के स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है और यूरिथ्रा, यूरिथ्रल स्पिंक्टर जो है वो रिलैक्स होता है। ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है और यूरिथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स होता है, याद रखना। तो ब्लैडर हुआ कॉन्ट्रैक्ट, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट एंड यूरिथ्रल स्फिंक्टर गेट रिलैक्स, एंड द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग यूरिन इज कॉल्ड अ मैच्योरेशन एंड द न्यूरल मैकेनिजम्स। यस, प्रोसेस, उस प्रोसेस को मैच्योरेशन बोलते हैं। इसके पीछे जो न्यूरल पाथवे लग रहा है उसको मैच्योरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। द न्यूरल पाथवे विच इज कॉजिंग मैच्योरेशन इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स, मैच्योरेशन रिफ्लेक्स, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कितना पर डे हम पास आउट करते हैं, मैंने बताया था 1 से 1.5 लीटर। कितना, कैसा है हमारे यूरिन का कलर? इज लाइट येल्लो। अच्छा, ये भी बता देती हूँ कि येल्लो किस वजह से है कलर, यूरोक्रोम, यूरोक्रोम याद रखना, यूरोक्रोम आपके यूरिन को कलर देता है, यूरोक्रोम यूरिन का कलर देने वाला, यूरिन कलर प्रोड्यूस बाय यूरोक्रोम, ठीक है। एंड इसके बाद कितना pH है हमारे यूरिन का, इज 6 एंड ए वेरी करेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर, क्योंकि यूरिया प्रेजेंट होती है, यूरिया की अजीब सी स्मेल है। और कितना पर डे हम यूरिया यूरिन से बाहर निकाल देते हैं, तो 25 से 30 ग्राम यूरिया हमारे यूरिन में बिल्कुल ब्लड में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब एक रेंज के अबाउट अगर हम देखें, दिस मच इज 17 mg, 70 से 40 mg पर 100 100 ml ऑफ अ ब्लड में, इतना तो टॉलरेट हो सकता है बट इससे ज़्यादा टॉलरेट नहीं हो सकता। तो यूरेमिया एक डिसऑर्डर हो जाएगा। यूरेमिया वही कंडीशन है जब ब्लड में यूरिया जाता है, ठीक है। इसका मतलब है किडनी में कहीं पे डिसबैलेंस है जिससे यूरिया बाहर नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। तो यूरेमिया उसको बोलते हैं। तो कौन कौन सी कंडीशन और भी है, ग्लूकोसूरिया यानी ग्लूकोस आना यूरिन में कभी नहीं आता ग्लूकोस, एक्सेप्ट एक कंडीशन है डायबिटीज की कंडीशन, उसमें क्या आएगा, ग्लूकोस आएगा, ग्लूकोस यूरिया। कीटोन बॉडीज भी तभी बनेगी जब डायबिटीज होगी। दो टाइप की डायबिटीज होती है, ये है डायबिटीज मेलिटस, और ADH की डेफिशिएंसी जो डायबिटीज होती है उसको कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। उसमें यूरिन में ग्लूकोज तो नहीं आता है लेकिन यूरिन बिकम अ डाइल्यूट, बार बार यूरिनेशन का पास आउट करना पड़ता है। कीटोन बॉडी क्यों बनती है? कीटोलाइसिस होने लगता है बेटा। जो हमारा ब्लड है उसमें ग्लूकोज तो प्रेजेंट है लेकिन सेल में नहीं जा पा रहा होता है,
सेल में भी इंसुलिन भेजने का काम करता है, तो इंसुलिन ही कम है। तो जब सेल को ग्लूकोज नहीं मिलता है तो सेल फैट को तोड़ना शुरू कर देती है, और जब फैट को तोड़ना शुरू करती है एनर्जी के लिए तो क्या निकलता है, कीटोन बॉडीज यूरिन में आने लगती है, तो उसको कहते हैं कीटोन यूरिया। कीटोलाइसिस चल रहा होता है ना बॉडी में। यस, द अदर ऑर्गन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन, किडनीज, लंग्स, लिवर, स्किन। ठीक है, देखो लंग्स के थ्रू हम क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं, वेपर बाहर निकालते हैं, वाटर वेपर ऑल्सो। ठीक है, वाटर वेपर्स भी बाहर निकालते हैं। ओके, और क्या निकालते हैं, लिवर्स के थ्रू बिलीरुबिन, ब्लीवर्डिन, कुछ भी टॉक्सिन्स होता है वो हमारे लिवर में स्टोर हो जाता है, लिवर उसको धीरे धीरे ब्लीरुबिन, ब्लीवर्डिन के साथ भेजना शुरू कर देता है। तो जब भी टॉक्सिन इकट्ठा होता है तो हमारी यूरिन ज़्यादा येल्लो हो जाती है, तो इसके पास क्या है, बिलीरुबिन, ब्लीरुबिन एंड ब्लीवर्डिन। ठीक है, वाटर वेपर्स और ब्लीरुबिन, ब्लीवर्डिन्स लिवर का पार्ट है। स्किन में क्या प्रेजेंट है, स्वैट ग्लैंड। स्किन में क्या प्रेजेंट है, स्वैट ग्लैंड, स्वैट ग्लैंड, स्वैट निकलता है। स्वैट में भी ना कुछ अमाउंट में यूरिया भी होता है, सॉल्ट्स भी होते हैं। ठीक है, विच वन एंड रिमेनिंग, अवर लंग्स रिमूव द CO2 बता दिया था आपको, एंड सिग्निफिकेंट क्वालिटी क्वान्टिटी ऑफ अ वाटर एवरी डे। लिवर क्या रिलीज करता है, लिवर सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारी बॉडी की, ब्लीरुबिन, ब्लीवर्डिन्स एंड कोलेस्ट्रॉल इनको बाहर निकालता है, डिग्रेडेड स्टीरॉइड, हॉर्मोन्स, वाइटामिन्स एंड ड्रग्स। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अल्टीमेटली पास आउट अलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव वेस्ट। मोस्ट ऑफ अमाउंट तो डाइजेस्टिव वेस्ट के फॉर्म में बाहर निकालता है, लेकिन कुछ टॉक्सिन्स को वो किडनी के साथ भी बाहर निकालता है। द स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड स्किन में प्रेजेंट है। सेबेशियस ग्लैंड ऑयल ग्लैंड होती है बच्चों, एंड इज एलिमिनेट द सर्टेन सब्सटेंस देयर सीक्रेशन करके। स्वैट क्या क्या प्रोड्यूस करता है, स्वैट में NaCl होता है, कुछ अमाउंट में यूरिया भी होता है, लैक्टिक एसिड भी होता है। ठीक है, एंड दो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ स्वैट इज अ फैसिलिटेट कूलिंग प्रोसेस। ठीक है, वाटर वेपर्स को बाहर निकालना, एंड इफ ऑल्सो हेल्प इन अ रिमूवल ऑफ अ वेस्ट मटेरियल। सेबेशियस ग्लैंड, ऑयल वाली ग्लैंड की बात करें तो हम क्या निकाल रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबम बोलते हैं इसको, सीबम याद रखना। स्टीरॉल एंड हाइड्रोकार्बन एंड बैक्सिस, स्टीरॉल एंड हाइड्रोकार्बन एंड बैक्सिस इज कॉल्ड अ सीबम। ओके, दिस सीक्रेट प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर अ स्किन पे। ऑयली कवरिंग जो आ जाती है किसकी बनी है, स्टीरॉल्स एंड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बैक्सिस, तो एयर में भी सेबेशियस ग्लैंड है हमारा। डू यू नो द स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू द सलाइवा टू। सलाइवा के साथ भी हमारा कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेट आउट हो जाते हैं। ठीक है, एंड दिस वन, ये एक रोल ऑफ द अदर ऑर्गन्स के लिए एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसको इजीली समझ सकते हैं। वाटर वेपर्स, ठीक है, वाटर रिमूवल ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 अप्रोक्सीमेट इज द 200 ml पर मिनट, इतना निकाल देते हैं हम CO2 को। एंड रिमूव द सिग्निफिकेंट क्वान्टिटी ऑफ अ वाटर, वाटर के देखने के लिए विंटर्स में आप देख सकते हो मिरर के सामने, तो आपको पता चलेगा हम वाटर वेपर भी निकाल रहे हैं। ठीक है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, एंड ब्लीरुबिन, ब्लीवर्डिन्स, वाइटामिन्स, कोलेस्ट्रॉल ये बताया था, स्टीरॉइड हार्मोन ये बाहर निकालेगा अलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव वेस्ट, मोस्ट ऑफ दीज। एंड स्किन, स्वैट ग्लैंड, NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड। स्वैट ग्लैंड में, सेबेशियस ग्लैंड में सीबम, सीबम किसका बना होता है, स्टीरॉल्स, वॉट हाइड्रोकार्बन एंड वैक्सिस। यस, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा के साथ साथ भी कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेट आउट हो जाते हैं हमारे एक्सक्रीटरी वेस्ट से। ठीक है, डिसऑर्डर्स मैंने बताया था बच्चों आपको, यूरेमिया, यूरेमिया डिसऑर्डर्स कौन से जाते हैं, डिसऑर्डर के लिए हम नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, डिसऑर्डर प्लस हीमोडायलिसिस। ओके,